उत्तराखंड के मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने में कुछ समय बचा हुआ है, ऐसे में मुख्य सचिव उत्तराखंड SS संधु ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मसूरी के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जल निगम को माल रोड मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत किए गए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मुख्य सचिव SS संधु की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 2 किलोमीटर की माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया है, जिसके तहत मसूरी माल रोड को सुंदर बनाए जाने को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। मसूरी में पूर्व में लगे एंटीक खोल, हवाघर वॉल पेंटिंग आदि को सुंदर बनाए जाने को लेकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर्यटकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग माल रोड पर पैदल घूमना पसंद करते हैं। इसी को लेकर माल रोड को सुंदर और सभी सुविधाओं से लैस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और मसूरी का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कल मीटिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे लाइब्रेरी चौक से लेकर झूलाघर तक और झूलाघर से पिक्चर पैलेस तक तमाम डाउन साइड में और अप साइड में अप हिल साइड में जो भी म्यूरल्स हैं, गजीबो हैं, रेलिंग्स हैं या हमारे जो विक्टोरियन पोल्स हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चीज़ लटकी हुई है या उसका रेलिंग टूट गया है या हमारे म्यूरल्स खराब हो गए हैं तो उनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। और रोड में आपने यही बताया कि जो खुदाई हुई है उसको उसके लिए भी जल संस्थान के चीफ इंजीनियर को उन्होंने तत्काल सही करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग तत्काल इसका एक कार्य योजना बनाकर 1 सप्ताह के भीतर या 2 सप्ताह के भीतर हम कार्य शुरू करने वाले हैं और मसूरी की भव्यता को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से मसूरी को सजाया जाएगा और इसका देखरेख टोटल MDDA की तरफ से होगा। बता दें कि मसूरी में अप्रैल के अंत तक पर्यटन सीजन शुरू हो जाएगा और ऐसे में मसूरी की सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि हाल ही में मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को फटकार लगाने का काम किया था। उन्होंने यह निर्देश दिया था कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि माल रोड में रेलिंग, स्ट्रीट लाइट के साथ ही हवा घरों का सुंदरीकरण किया जाना है, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की होगी। साथ ही मसूरी माल रोड को बेहतरीन ढंग से सजाया जाएगा।